हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप सब स्वस्थ हैं। तो देखिए, आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। है बंगाली डिश है, इसको बोलते हैं सेम फल्ले की पातोड़ी। इसको हम बंगाली में बोलते हैं सीम पातोड़ी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए कि ये आपको कैसा लगेगा। इसको ये बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको घर में बहुत जल्दी से बना सकते हैं। ये डिश हम हर बंगालियों के घर में अधिकतर ठंडों में बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेम के फली ले लिए हैं। आपको अगर और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसको और ज़्यादा ले सकते हैं। और बीच में से मैंने एक एक सेम की फली को बीच में से कट लगाया है, और बीच में से आप देख भी लें कि इसमें इसके अंदर कीड़े तो नहीं हैं, क्योंकि सेम के फली के अंदर अधिकतर कीड़े होते हैं। तो इसको अच्छे से काट के धो लीजिए और चेक कर लीजिए कि इसके अंदर कहीं कीड़े तो नहीं है। अब इसको बनाने के लिए हमें कुछ मसालों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने एक चम्मच यहाँ पर पीली सरसों लिया है, जो काली सरसों है वो लिया है। मैंने यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें ली है साबुत। मैंने यहाँ पे फिर नमक लिया है स्वाद अनुसार, हल्दी लिया है, और मैंने यहाँ पे काले जो कलौंजी होती है वो लिया है, और दो मैंने हरी मिर्च को बीच में से काट लिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खसखस लिया है जिसको हम बंगाली में पोस्तो बोलते हैं, और ये जो कलौंजी है, कलौंजी को हम बंगाली में काला जीरा बोलते हैं। अब हम इन चीज़ों को, जो हमारी खसखस है और जो हमारे जो सरसों है, पहले हम उसको डाल देंगे। सरसों, दोनों तरह के सरसों को हम इसमें डाल देंगे, खसखस भी डाल देंगे, और यहाँ पे दो तीन हम हरी जो मिर्चें हैं उसको भी डाल देंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि इसको फिर मिक्सी में हम पीसने में आसानी मिलेगी। इन चीज़ों में पानी डाल के पीस लेंगे। तब तक हम कढ़ाई गैस पे चढ़ा देते हैं और हम सेम फली को भुनने के प्रोसेस करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सरसों का तेल। कढ़ाई हमारी अब गर्म हो चुकी है और इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल जब गर्म हो जाए, इसी के अंदर हमें जो हमारे कलौंजी है और जो हमने बीच में से काट के जो हरी मिर्चें रखी है उसको भी हम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। हमें इसके गैस के फ्लेम को थोड़ा सा यहाँ पे लो रखना है और इसको हम भून लेंगे। इसको भूनते टाइम आपको बहुत अच्छी सी धीमी धीमी सी एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो कलौंजी है वो अच्छे से भून चुकी है। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम भून लेते हैं। अब इसको भुनने के बाद इसके अंदर हम जो हमारी सेम फली है उसको डाल देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखिए फ्रेंड, और इसको हमें धीमे धीमे करके ऐसे ही थोड़ा सा सॉटे करना है। हमें सेम की फली को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें एकदम गला हुआ सेम की फली नहीं चाहिए, और सेम की फली बहुत जल्दी भी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए हमें गैस की फ्लेम को स्लो करके इसको पकाना है। और थोड़ी देर हम इसको ढक देंगे ताकि ये थोड़ा और जल्दी पक जाए। और अब इसको ढकने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर हम इसको फिर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हल्दी की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसको होने ये थोड़ा सा मिलाने के बाद इसको हम फिर से दो मिनट के लिए ढक देंगे। अब तब तक हम अपना पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारे चीज़ों को एक साथ पीस लिया है और इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। हमें ऐसे ही इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसके ढक्कन को फिर से उतार के देखेंगे कि सेम की फली कहाँ तक पकी है। तो देखिए फ्रेंड, हमारी सेम की फली है लगभग जो है ये पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसी के अंदर हमें जो हमने पेस्ट बना के रखा था सारी चीज़ों का, उसको हम डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे तो हम जो हमारा जो जार है उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर हम मिला देंगे। और इसमें मैंने जो दो हरा मिर्चें रखा था अलग से, उसको भी हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी के साथ इसको डाल के थोड़ी देर ऐसे ही इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। सारी चीज़ों को हम मिला लें अच्छे से सेम के फली के साथ, जो हमारे जो ये ग्रेवी है
यह हम मिला के थोड़ी देर इसको हम फिर से ढक देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं सेम के फली के अंदर अच्छे से जा पाए। तो हम 2 मिनट इसको ढक देते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं और अब इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारे जो सेम के फली की जो पातोड़ी है ये बन के रेडी हो चुका है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस टाइम हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें सरसों का तेल डालना है ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आए। तो हमारी सेम की फली की रेसिपी जो है सेम फली की पातोड़ी ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जो लोग नए हैं उसको वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो लोग देख पाए और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो ला पाऊँ। तो देखिए फ्रेंड मेरे सेम की फली पातोड़ी सेम फली पातोड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसको गरम गरम राइस के साथ और चपाती के साथ रोटी के साथ इसको सर्व कीजिए और इसका आनंद लीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।